चलिए इसमें का थर्ड नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में है आपका 2 sin² x प्लस में साइन का पावर 2 2x है ना, बराबर में 2, यही ना है। चलिए यह फॉर्मूला लगाते हैं, 2 sin² x प्लस 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बराबर में 2। 2 sin² x प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं और sin² x cos² x बराबर में 2। यहां से 2 कॉमन करके उधर भाग में भेज देते तो होगा यहाँ sin² x प्लस 2 sin² x cos² x बराबर में 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना। चलिए अब एक काम करते हैं, कॉस वाले को साइन में बदल देते हैं। तो इसको तो अभी वैसे ही रखिए, sin² x प्लस में 2 sin² x, इसको लिखते हैं 1 - sin² x बराबर में 1। इंटू करते हैं इसमें, sin² x प्लस 2 sin² x माइनस 2 sin⁴ x बराबर 1। यहाँ से ये 3 हो जाएगा ना, 3 sin² x माइनस का 2 sin⁴ x बराबर में 1। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो उधर ले जाने पे हो जाएगा, इधर तो आप 0 रहने दीजिए, उधर हो जाएगा आपका ये जाके प्लस का हो जाएगा 2 sin⁴ x, ये आएगा माइनस का 3 sin² x और प्लस में 1। अब इसका फैक्टर करेंगे, है ना। तो चलिए इधर ही लिख लेते हैं, 2 sin⁴ x माइनस का 2 sin² x माइनस का sin² x। देखिए जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा कि नहीं, और प्लस में 1 बराबर 0। दो दो को मैं कॉमन करिए, 2 sin² x कॉमन करिएगा, यहाँ बचेगा sin² x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन करिएगा तो आ जाएगा sin² x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो sin² x माइनस 1 और 2 sin² x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे, एक हो जाएगा sin² x बराबर sin² x माइनस 1 बराबर 0 कर देते हैं, और एक हो जाएगा 2 sin² x माइनस 1 बराबर 0। दोनों का अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर इधर जाके ये प्लस का, तो sin² x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि sin² x बराबर 1। कितना डिग्री का होता है, अगर इसको 1 का तो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये हो जाएगा sin² π/2, समझ रहे ना। चलिए तो sin² θ बराबर sin² α हो तो θ बराबर हो जाता है, यानी x बराबर यहाँ से हो जाएगा n π ± π/2, n बिलोंग्स टू z, ये एक मान हो जाएगा। चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन क्या फायदा है, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा है हमको। 2 यहाँ पे आ जाएगा 2n π ± π, n बिलोंग्स टू z। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, दो स्टेप और बढ़ेगा, x बराबर 2n ± 1 है ना, और π/2, n बिलोंग्स टू z, ये हो जाएगा एक आंसर। यहाँ भी इसको सॉल्व करिए, इसको ले जाएंगे उधर प्लस का, तो हो जाएगा 2 sin² x बराबर प्लस का 1, ये जाएगा तो उधर डिवाइड में sin² x बराबर 1/2, रूट 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, समझ गए ना। 1/2 होगा लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना इधर, तो इधर भी स्क्वायर में चाहिए, तो ये रूट 2 का होल स्क्वायर नहीं कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin² x, यहाँ लाइन खींच देते हैं, बराबर हो जाएगा ये कितना डिग्री, sin 45 का ना, यानी sin² π/4। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर n π ± α, n बिलोंग्स टू z, क्लियर हो गया ये, समझ गए ना। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, इसके 4 नंबर में कुछ ज्यादा खास नहीं है, देखिए बहुत ही सरल है ये, आपको क्या करना है कि 2 cos को चेंज कर देना है sin में, ठीक है, सब एक ही टर्म में होना चाहिए, और इसको सेट करके जैसे फर्स्ट नंबर है ना उसी टाइप का ये है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसका जनरल सोल्यूशन निकालना, इसमें ना मान निकालना, इसमें जनरल सोल्यूशन निकाल के छोड़ देना है, कर लीजिएगा इसको सब, सेम फैक्टर होगा फर्स्ट नंबर जैसा।